गाइस वेल आई एम अपूर्व एंड वेलकम बैक टू द कार डायनेस्टी। तो दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी मॉडिफाइड जीप का ओनरशिप रिव्यू लेकर आई हूँ जो कि देखने में काफ़ी आइकॉनिक एंड स्टनिंग है। तो चलिए जानते हैं इसके सारे डिटेल्स को इनके ओनर से। इन फ्यूचर अगर आपको भी ऐसी मॉडिफाइड जीप लेनी है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसको जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। आज हमारे साथ में जुड़े हैं विवेक सर अपने मॉडिफाइड जीप का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस चैनल पर। वेलकम एंड थैंक्स फॉर कमिंग सर। उसके बाद सर आप सबसे पहले तो मुझे इस मॉडिफाइड जीप के बारे में सर थोड़ा सा ब्रीफ करें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो जीप है इसकी जो चैसी है और ये जो बॉडी है ये किस चीज़ की आती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि गाड़ी जो है ये रहती है विलीज, जो कि 1980s में आती थी, 1970s से स्टार्ट हुई थी बनना। एंड वाकई ये गाड़ी कहो अगर आप लोग तो इसका बॉडी 30 इयर्स पुराना है। और अभी आप मार्केट में जितना भी क्लासिक जीप देखते हो इस टाइप का, वो सब कुछ पुराना बॉडी रहता है जिसपे रीपेंट करके, रीवर्किंग करके और उस पर मॉड्स करके गाड़ी मार्केट में आती है। तो बेसिकली ये गाड़ी किसी भी एक कंपनी के थ्रू मैन्युफैक्चर नहीं होती है, ये व्हीलीज है जैसा मैंने अभी आप लोग को बताया, जिसपे आपका 90% पार्ट्स जो है वो रहता है बलेरो इंजन का। बलेरो DI इंजन आती है इस गाड़ी में एंड इसके बैकलाइट वगैरह भी है, वो भी सब कुछ आता है। हाँ, सब कुछ बलेरो का ही इसमें लगता है गाड़ी में। उसके बाद सर आप ये बताओ कि इसको लिए हुए कितने दिन हो गए? एक्चुअली इसके लिए हुए हमें हो गया 1 year 3 months के अप्रॉक्स। ओके हाँ। एंड सर आपने 1 year 3 months हो गए इसको लिए हुए, सर इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? ऐसा जो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों ने इस गाड़ी का मेन, मतलब ये गाड़ी लेने का हमारा मेन पर्पस था कि हमें एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिससे हम लोग शाम में 2-4 लोग एक साथ घूम सके और एक थोड़ा सा हेड टर्नर वाला फीलिंग आए गाड़ी पे। तो इस गाड़ी का सबसे अच्छा बात क्या है कि कहीं भी लेके अगर आप निकलते हो इस गाड़ी को, तो मैक्सिमम जो पर्सन रोड पे चल रहा है उस टाइम पे तो हेड टर्न करके लोग देखते हैं। तो ये जो इसका सबसे बड़ा चीज़ है ना, फैक्टर, बहुत अच्छा लगता है। एंड इवन कि लोग गाड़ी रुकवा के फोटो वगैरह भी खिंचवाते हैं ऐसा कुछ है। या ये रियली में काफ़ी स्टनिंग है। हाँ, उसके बाद सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सर इसके तरफ, एक मॉडिफाइड जीप की तरफ बढ़ने का सर मेन पर्पस क्या था? लुक्स की वजह से या फिर ऑफ रोडिंग या फिर कुछ और मेन पर्पस था? अब ये भी मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली देखिए, ऐसे तो हमारे पास पहले से स्कॉर्पियो गाड़ी थी एंड रिसेंटली हम लोगों ने एक फॉर्चुनर भी लिया, तो गाड़ियों की कमी तो कभी रहे नहीं हमारे पास, गाड़ी बहुत सारी है। लेकिन हाँ, हम लोगों ने ऐसे ही, हम लोग एक दिन सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहे थे तो हम लोगों ने एक रील्स पे ऐसा एक जीप देखा था, तो तब से हम लोगों ने सोचा कि यार ये जीप तो हमारे लोकल में है ही नहीं, और पटना में जहाँ हम लोग रहते हैं यहाँ पे भी मतलब कि मैक्स टू मैक्स 3 या 4 ही हैं। तो हम लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन घूमने लगा कि हम लोग क्या करें, इस गाड़ी को ले या नहीं ले। तो पहले हम लोगों ने भी रिसर्च किया सोशल मीडियाज पे, यूट्यूब चैनल वगैरह स्क्रॉल किया, तो हमें ये गाड़ी बहुत अच्छा लगा टाइम टू टाइम देखते देखते। देन उसके बाद हम लोग भी डिसाइड किए फाइनली कि ये गाड़ी लेना है। लेने का मेन पर्पस था कि सबसे पहला फैक्टर तो कि इसका लुक, सेकेंड वन इज़ दैट कि आप लोग खुद देख सकते हो कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है। इवन इसमें अगर ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ का बात करें तो वो भी इस गाड़ी के साथ मिलता है आपके, आपको। तो ये सब कुछ फैक्टर्स है जिसके वजह से हम लोगों ने इस गाड़ी को प्रेफर किया लेने के। सर आपने बताया कि आपने इसे लुक्स की वजह से और इसके ऑफ रोडिंग की वजह से आपने इसे प्रेफरेंस दिया। हाँ। और नो डाउट सर कि लुक वाइज काफ़ी आइकॉनिक एंड स्टनिंग है। तो सर ये बताइए कि ये मॉडिफाइड जीप कैसे बनकर तैयार होती है? एक्चुअली ये गाड़ी जो है, ये मॉडिफाइड जो गाड़ी है एक्चुअली ये रहती है एकदम सिंपल सोवर गाड़ी। और ये जब आप बाहर जाते हो हरियाणा पंजाब जहाँ ये गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है, तो एक्चुअली वो शॉप होते हैं जहाँ पे इन सब गाड़ियों का बाज़ार लगता है, जहाँ पे ये सब गाड़ी मॉडिफाई होती है। वहाँ इवन कि आपके पास ऑप्शन रहता है एक एक पार्ट्स का, वो आप अपने हिसाब से लुक्स बढ़वा सकते हो, घटवा सकते हो। जैसे ये लाइट्स आप लोग भी देख रहे हो, तो ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का लाइट्स लगवाना है। इंजन में भी आपके पास 2 ऑप्शन रहता है। कौन कौन सा? हाँ, ये एक आपका आता है महिंद्रा का DI इंजन, बलेरो इंजन, और दूसरा आपके पास ऑप्शन रहता है टोयोटा इंजन का, जो कि हमारा इनोवा में आता है। हाँ। तो इनोवा का इंजन आप लोग लगवा सकते हो, उसके गियर बॉक्स के साथ आएगा। एंड बलेरो का इंजन डलवाओगे तो बलेरो का गियर बॉक्स और बलेरो का ही आएगा। और बाकी अगर पावर स्टेयरिंग कहें, हाँ, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कुछ ऐसे पार्ट्स है जो, मतलब बहुत सारे पार्ट्स बहुत सारे कंपनीज के हैं, तो जैसे महिंद्रा का इंजन है इसमें। हाँ। अब अगर स्टेयरिंग का बात किया जाए और पावर स्टेयरिंग का, तो वो इसमें रहने वाला मारुति का।
ओके हाँ, तो इसमें मारुति का आपको पावर स्टेरिंग मिलता है। सर हैंडलिंग वगैरह कैसी है, जैसा कि आपने बताया कि मारुति की इसमें स्टेरिंग तो अच्छा है, लेकिन मेन थिंग है कि चक्का इतना बड़ा है गाड़ी का, टायर्स इतने बड़े हैं और इतने वाइड है, तो थोड़ा सा गाड़ी जब स्टेबल रहती है ना, खड़ी गाड़ी में अगर आप स्टेयरिंग करना चाहोगे तो थोड़ा सा तो हार्डनेस आएगा, लेकिन जब गाड़ी चलती रहती है ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फुल ऑन पावर स्टेयरिंग वाला इसमें फील है, पावर स्टेयरिंग है ही। ओके सर, जैसा कि आपने बताया कि इसके अंदर बोलेरो का डीजल इंजन लगा हुआ है, बोलेरो का डीजल इंजन कितनी पावरफुल है ये आप मुझे बताओ। पावरफुल तो एज सच, अगर देखो आप लोग अगर ये सोचोगे कि इसको लेके पूरा स्पीड ले जाना है तो ये गाड़ी स्पीड चलाने के लिए नहीं बनी है। हाँ, मैक्स टू मैक्स 100-120, हम लोग 120 भी इस गाड़ी को ले गए हैं, लेकिन उसके बाहर इसको मैं नहीं बोलता हूँ ले जाने के लिए, क्योंकि स्पीड करने के लिए तो फिर है ना कार्स है, उसके बाद तो फिर इसका अलग ही पर्पस है। ओके, उसके बाद सर आप मुझे ये बताइए आपकी प्राइमरी व्हीकल है या फिर सेकेंडरी है? ये हमारी सेकेंडरी गाड़ी है, सेकेंडरी व्हीकल है, क्योंकि प्राइमरी हम लोग, मैंने बताया अभी कि हमारे पास अभी स्कॉर्पियो पैलेस है जिसका 7 ईयर्स हो गया, एंड अभी रिसेंट हम लोगों ने 3-4 दिन पहले भी फॉर्चूनर ली है, फोर इंटू फोर, तो गाड़ी का कोई दिक्कत नहीं हमारे पास है सच, तभी हम लोगों ने ये लिया है। और मेरा अगर प्रेफरेंस आप लोग मानोगे तो मैं यही कहूँगा कि अगर किसी को अगर ये गाड़ी लेना है देन पहले से आपके पास एक गाड़ी ज़रूर होना चाहिए, मेरा ये कहना, क्योंकि कुछ ऐसे पार्ट्स है इस गाड़ी से रिलेटेड, जैसे इस गाड़ी पे सपोज अगर आपको फैमिली के साथ कहीं जाना हो देन आई विल नॉट प्रेफर इट, क्योंकि कहीं ना कहीं गाड़ी ओपन है और इस पे उतना ज़्यादा कम्फर्टनेस नहीं मिलेगा कि आप लॉन्ग टूर कर सको फैमिली के साथ, खासकर फैमिली के साथ। हाँ, और ऊपर से इस पे एसी नहीं है, ऐसे एसी का ऑप्शन आता है लेकिन हम लोगों ने एसी नहीं लिया था गाड़ी में, क्योंकि ज़्यादातर हम लोगों का मेन पर्पज़ था कि वो सनरूफ वाला मज़ा लेना था हमें, तो उसके बाद मेनली ये दिखा हम लोगों को और दिखते ही हम लोगों ने इसको डन कर दिया। अरे ये तो बहुत कमाल की है, इसको इस पे तो जितने लोग बैठेंगे पूरा सनरूफ का मज़ा है, गाड़ी ही खुली हुई है। या उसके बाद सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसा कि सर ये ओपन कार है तो वैसे तो सर आप इसको सिटी, पटना से सिटी मिली है सर, जहाँ पे आपको पता है सर डस्ट कितना बहुत ज़्यादा डस्ट, यही मेंटेन कैसे करते हो उसको? मेंटेनेंस थोड़ा सा हाई है मैं ये बोलूँगा आप लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं गाड़ी को हमेशा क्लीन करना पड़ता है, एंड गाड़ी पे प्रॉपर एक वॉशेज जो है आपको वीक में एक बार तो गाड़ी धोनी पड़ेगी, अच्छे से क्लीन अप करना पड़ेगा गाड़ी को, क्योंकि क्लीन नहीं करोगे तो फिर ऊपर से कलर इसका ब्लैक है और मेंटेनेंस तो ब्लैक कैसे भी हाई रहता है, हाई रहता है, और कहते नहीं है कि हाथी पाले हैं तो सेवना तो पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस तो फिर करना पड़ेगा ना, तो ये शौक है और क्या। हाँ वो तो है सर, तो मेंटेन तो करना पड़ेगा इसको। उसके बाद सर आपने एक साल कुछ हो गए, एक साल कुछ महीना, तो कितना चला लिया है इसको? अभी तो ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ हमारी गाड़ी 5000 चल चुकी है, अभी ऑन मीटर 3000 है, बाकी 2000 ऐसे ही चली गई, क्योंकि मीटर इसका अभी मेनली ख़राब हो गया, और ऐसे मार्केट में इसके पार्ट्स अवेलेबल ज़रूर होते हैं लेकिन अभी हम लोगों ने उस चीज़ का ऑर्डर दे रखा है, क्योंकि बहुत ओल्ड मीटर है, पहले वो आती थी महिंद्रा के गाड़ी में, जो महिंद्रा का पहले एक जीप आता था उस पे आता था ये मीटर जो इसमें लगा हुआ है, फ्यूल गेज और स्पीडोमीटर ऑडोमीटर सब कुछ। वैसे आप मुझे ये बताओ सर, मॉडिफाई तो बहुत लग रही है ये, तो आपने इसे कराया किधर से? एक्चुअली ये गाड़ी हरियाणा का है, ठीक है, तो हम लोगों ने हरियाणा जाके इस गाड़ी को मॉडिफाई कराया, और जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि गाड़ी जो है वहाँ पे बहुत सारा ऐसा मतलब मैन्युफैक्चरर है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर है और बहुत सारे जैसे उज्जैन मोटर्स, जैन मोटर्स ऐसे करके जो कि गाड़ी ऐसा मॉडिफाई करके देते हैं, तो लेकिन हम लोगों का था कि हम लोग वहाँ, आपके पास दो ऑप्शन रहता है, पहला ये कि आप डायरेक्टली जाके भी गाड़ी रेडीमेड गाड़ी खड़ी है, आप जाओ डायरेक्ट कैश दो गाड़ी उठा के चले जाओ। ओके, लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग वहाँ पे स्टे किए थे 4 दिनों के लिए, देन हम लोग सुबह शाम जा करके देखते थे एंड अपने हिसाब से गाड़ी पे लाइट्स, सीट कवर्स, उसके बाद इंजन कौन सा डालना है और बाकी काम कैसा हो रहा है, पार्ट्स कैसे डाले जा रहे हैं, ये सब कुछ हम लोगों ने खुद से देखा है, एंड 4 दिन रह के हम लोगों ने गाड़ी को तैयार करवाया। वाओ सर, जैसा कि आपने मुझे बताया कि इसमें बोलेरो के इंजन और बहुत सारे पार्ट्स बोलेरो के लगे हुए हैं, तो सर सर्विसिंग में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, स्पेयर पार्ट जल्दी मिलते हैं? सर सर्विसिंग में तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि इस पे महिंद्रा का आधा से ज़्यादा पार्ट्स लगा हुआ है, ऊपर से बोलेरो की इंजन है, तो इसके लिए इस पे सर्विसिंग से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम अभी तक आई नहीं और आगे का पता नहीं, क्योंकि अभी जितना भी पार्ट्स है वो सब कुछ मिल जाता है, बस ये है कि आपको खुद पता करना रहता है, मतलब मैकेनिक्स आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई ये पार्ट्स जो है जो ख़राब हुआ है तो वो किस गाड़ी का है, आप कंफर्म बताओ, या फिर ये जैसे बहुत सारे पार्ट्स मैंने बताया ना, कुछ मारुति के भी पार्ट्स लगे हुए हैं, कुछ महिंद्रा के भी, जैसे लाइट वाइट भी है कुछ, तो अलग अलग गाड़ी से आते हैं, जैसे ये हेडलाइट का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हेडलाइट जो है ये मेनली
आउट मतलब आफ्टर मार्केट मिलता है ये हेडलाइट, जैसे बुलेट्स वगैरह में लग के आती है ये गाड़ी में, बाइक में। तो जैसे फ्रंट फेसिया में सर क्या क्या बताना चाहेंगे, क्या क्या मतलब मॉडिफाइंग है फ्रंट में? देखिए आप लोग, मेनली मैं बताता हूँ, फ्रंट में एक्चुअली ये लाइट जो है ये आपको कंपनी देती है, मतलब जहाँ से आप गाड़ी लेते हो तो वहाँ से आपको ये लाइट तो मिलेगा ही, और बाकी बेसिकली इन सब चीज़ का बात करें अगर, तो ये लाइट और ये लाइट वहाँ से आपको हर गाड़ी पे मिलेगा, लेकिन ये जो है एडिशनल हम लोगों ने लगवाया है, ये लाइट आप लोग देख सकते हो। बाकी यहाँ पे चार लाइट रहता है, जिसमें से एक लाइट तो अभी हम लोगों का टूट गया, उसको हम लोगों ने अभी अंदर। सर ये आपने दो लाइट लगा के इसे और स्टनिंग वाला लुक दे दिया है। इसका लुक भी ये लाइट इंक्रीज करता है, ऊपर से विजिबिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ गया इसके थ्रू। ओके, सारे एलईडीज के सेटअप होंगे? हाँ, सारे व्हाइट एलईडीज है। ओके, चलिए सर अब हम लोग इसे साइड प्रोफाइल की तरफ मूव करते हैं। चलिए सर, साइड प्रोफाइल में आपने क्या क्या कराया थोड़ा सा बताइए। अभी साइड प्रोफाइल में ऐसा हम लोगों ने ज्यादा कुछ तो नहीं कराया, ये वहीं पे ऑप्शन मिलता है आपको, जैसे मैंने बोला कि ये तो सारे गाड़ियों में लगा के देते हैं ये साइड वाइज लुक बढ़ाने के लिए, ताकि गाड़ी जो है वाइड और ब्रॉडर दिख सके उसके लिए। और बाकी ये टायर जो है इसका अगर बात करें तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये ऑप्शनल चीज है, क्योंकि ये वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, इस पे प्लेन टायर भी डलवा सकते हो आप लोग नॉर्मल एसयूवी कार्स के, और आप लोग ऐसे मॉन्स्टर टायर भी डलवा सकते हो। तो इसको मेनली हम लोगों ने यहाँ पे इस गाड़ी में लगवा रखा है, इसको बोलते हैं मिनी मॉन्स्टर टायर्स। तो ये मिनी मॉन्स्टर टायर्स है जो हम लोगों ने लगाया, हम लोगों को ये बहुत अच्छा लगा। एंड टायर सेक्शन आप लोग देख ही सकते हो कि कितना बड़ा है, ये बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है। और ये टायर ऐसा है कि मेनली गाड़ी का जो लुक है मेरे हिसाब से मुझे बहुत लगता इन्हांस है करती है कि यही इन्हांस करता है और बहुत ज्यादा करता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गाड़ी के लुक बढ़ाने में 30% तो इसका हाथ है एकदम, तभी जाके गाड़ी का लुक इतना ज्यादा इंक्रीज किया। राइट, उसके बाद सर आप ये बताइए कि इसकी प्राइसिंग वगैरह क्या है? अगर प्राइसिंग का बात करें तो एज सच एक टायर का प्राइस 25,000 पड़ता है, और अगर अलॉय का बात करें तो अलॉय भी 10,000 से लेके 15,000 के बीच का आता है, वो आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप किस ब्रांड का लेते हो। अभी तो इसमें अलाडो का लगा हुआ है। ओके, उसके बाद सर ऐसा साइड में और क्या? और ऐसा साइड में ये जो है ये आप लोग देख सकते हो, ये पूरा देसी वाला लुक है, और इसका ऐसा वर्क तो अभी हम लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ चलो इससे कि लुक इंक्रीज है। और ये रियल है, इसको यहाँ से अगर नट से खोल देते हैं ना हम लोग, तो गाड़ी कहीं भी अगर फंसती है तो उसके बाद ये काम में आ जाएगा। हाँ, वहाँ पे ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी, लेकिन गाड़ी अपनी नहीं फंसेगी, ये दूसरों के हेल्प करने के लिए है सच मेरे थिंकिंग से, क्योंकि अपनी गाड़ी तो कहीं फंसने से रही, ये गाड़ी फंसती नहीं है कहीं भी। टू व्हील ड्राइव होने के बाद भी बहुत बेटर है, इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज एकदम एक्सट्रीम है। ओके सर, सबसे पहली बार तो मैंने आपको ऑफ रोडिंग करते हुए देखा था इस कार से। उसके बाद अगर रियर में देखो तो रियर में क्या क्या चेंजेस है? रियर में देख सकते हो, सबसे पहले तो ये एंटीना मिलता है आपको, इसका ऐसे कोई वर्क नहीं है, लेकिन हाँ लुक के लिए, और रैली वगैरह में जाते हो तो इस पे फ्लैग वगैरह लगा सकते हो, जैसे काम आती होगी। हाँ हाँ, इस पे फ्लैग वगैरह हम लोग लगा के चलते हैं। एंड ये जो है ये एकदम रियल चीज है, और इसका वर्क भी है, मतलब वर्किंग चीज है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लुक के लिए, डीजल रखने के लिए। हाँ, इसमें हम लोग डीजल डाल के रखते हैं, और क्योंकि जैसे लॉन्ग ट्रिप पे अगर आप लोग जा रहे हो तो इस पे डीजल रख के चलो, और मतलब टैंक बार बार फुल कराने का झंझट नहीं रहता है। तो कितने लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वैसे? ये ऐसे 17 लीटर का है, और गाड़ी का अगर फ्यूल टैंक का बात करें तो गाड़ी में 35 लीटर के अप्रोक्स डीजल आती है। तो फिर तो लेके चलना बनता है लॉन्ग ट्रिप के लिए। उसके बाद सर यहाँ पे आपको अलॉयज मिल जाती है, जैसे कि आपने बताया वहाँ से मिलती है। ये अलॉय व्हील हम लोगों ने एक्स्ट्रा लिया था, मतलब जैसे मैंने बताया कि इस पे ऑप्शन आ रहा था टायर का भी, लेकिन उन लोगों ने बोला कि टायर का फिर 25,000 और इंक्लूड कर रहे थे, तो हम लोगों ने बोला कि टायर का भी कोई जरूरत नहीं है सच, हम लोगों ने बोला कि हम लोग अलॉय व्हील ही ले लेते हैं फिलहाल के लिए। ये बहुत प्यारी लग रही है, जीप वाली फील दे रही है पूरी। गाड़ी जीप है तो यहाँ जीप का स्टिकर तो बनता है, एकदम बनता है, और बाकी यहाँ भी जीप का एक ब्रांडिंग लोगो देख सकते हो आप लोग। तो गाइस, सबसे पहले तो आप इस मॉडिफाइड जीप की देख लो, मारुति 800 की मिलती है इस गाड़ी में। जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि गाड़ी तो मतलब मैनी मैन्युफैक्चरर्स का इसमें पार्ट्स लगता है अलग अलग, जैसे ये स्टेयरिंग देखो, ये कोई भी मैन्युफैक्चरर का स्टेयरिंग नहीं है, ठीक है। ये पार्ट जो है ये मारुति 800 का 800 की है, और की भी बेसिकली जो है 800 का ही आता है। और ऐसे ऐसा ये की अगर कहीं रखते हो आप लोग तो देख के नहीं लगेगा कि जीप का की है, देख के लगता है कि 800 से आए हम लोग, लेकिन कोई बात नहीं। और बाकी ये जो है मोमो स्टेयरिंग हम लोगों ने लगवाया है, ये ऑप्शनल मिलता है बाहर से, मोमोज में बहुत सारे कैटेगरीज के स्टेयरिंग आते हैं जो कि यहाँ से
डिटैचेबल होते हैं, यहाँ से इसको खोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको बाकी एनालॉग स्पीडोमीटर मिल जाती है, आप लोग देखो इसका तो बहुत ही बेसिक है, लेकिन हाँ सही है क्योंकि इस पे एक्चुअली ओपन गाड़ी है तो डिजिटल कुछ लग नहीं सकता है, थोड़ा सा भी अगर वाटर चला गया तो खराब हो जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ये टेम्परेचर मीटर था जो कि हाई टेम्परेचर का वैसे टूट गया तो खासकर पटना की गर्मी, टेम्परेचर मीटर ने बोला कि भाई पटना का गर्मी जो है इतना ज्यादा है मैं नहीं पाऊंगा, मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा तो वो टूट गया। उसके बाद सर गियर को देखे तो गियर नंबरिंग तो नहीं मिलता, नहीं नहीं गियर नहीं था इस पे, गियर नंबरिंग था शुरुआत के दिनों में, लेकिन इस पे हाथ लगते लगते जो एक छोटा सा स्टिकर लगा हुआ था यहाँ पे रबर का, वो यहाँ से फिर गायब हो गया। शूटिंग कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी स्टार्टिंग डेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था गियर बॉक्स को रिलेटेड, और बस एक नट है जो अक्सर ढीला हो जाया करता है, इसके नीचे गियर बॉक्स में एक नट रहता है जो ढीला हो जाता है, और उस स्क्रू के वजह से ही जो है थोड़ा सा गियर में दिक्कत आ रहा था, लेकिन अब ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, थोड़ा सा हम लोगों ने गियर का काम करवाया बाहर से, देन उसके बाद वो भी ठीक हो गया। हाँ सर, आपने मुझे बताया था कि इसके अंदर अपने म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल कराया है, वो भी बाहर से। हाँ वो तो वो बताइए सर कौन सी कंपनी का इंस्टॉल कराया है आपने? आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप, मतलब एक सबसे बड़ा बात बता देता हूँ फैक्टर की, इस गाड़ी में आपको इतना सारा ऑप्शन मिलता है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये वहाँ पे बोलते हैं मॉडिफिकेशन जहाँ पे होता है कि आपको जिस ब्रांड का जो भी लगवाना है वो आप लगा सकते हो। सबसे बड़ा बात यहाँ पे अपना बॉक्स था जिसमें हम लोगों ने सोनी का भी इसमें लगवाया है म्यूजिक सिस्टम, एंड आपके पास ऑप्शन आता है इस पे, हम लोगों ने तो बस दो बॉक्स लगवाया क्योंकि बाकी एक सीट के नीचे भी डालने का ऑप्शन था लेकिन हम लोगों ने नहीं लगवाया, अभी आगे आने वाले टाइम पे हम लोग करवाएंगे क्योंकि अभी इतना सफिशियंट है। वेल अभी ये भी आप लोग सुन के देखो कैसा लगता है। इसकी साउंड क्वालिटी कुछ ऐसी है तो साउंड क्वालिटी जो है ओपन गाड़ी है तो मतलब इतना सफिशियंट है, अच्छा है, और इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं हमें। अगर मैं अच्छे डिस्टेंस से मतलब 200 मीटर के डिस्टेंस पे भी आपको आवाज़ सुनाई देगा गाड़ी, क्वालिटी इसकी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी सोनी की है, सोनी का बॉक्स है पीछे दोनों एक्सप्लोर्ड का। आपसे मैं जानना चाहूंगी इसमें आपको मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है इसके अंदर, मैनुअल गियर, क्या इसके अंदर ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन? हाँ ऑटोमेटिक का भी इसमें ऑप्शन मिलता है आपको, मतलब ऑटोमेटिक के लिए फिर टोयोटा जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि महिंद्रा डीआई में कभी ऑटोमेटिक आया ही नहीं है, तो अगर टोयोटा इनोवा का आप लोग लोगे तो उसमें ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन था, और इसमें एक और बात है कि फोर व्हील का भी ऑप्शन आता है। तो हम लोगों ने फोर व्हील नहीं लिया क्योंकि कहीं ना कहीं कॉस्टिंग और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था, और जैसा मैंने आपको बताया कि ऑफ रोडिंग के लिए फिर हमारे पास है ही गाड़ी। हाँ सीट आगे पीछे होता है, रिक्लाइन भी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, देखो मैनुअल है लेकिन हाँ होता है सब कुछ इसमें, ये बढ़िया है फिर तो। और आगे मैंने इसमें पुलिस लाइट भी लगा रखा है। ओके इससे क्या होगा? वो रात के टाइम पे इस पे फ्लैशर भी लगा हुआ है, और मतलब अलग अलग पैटर्न में लाइट जो है फ्लैश करती है और देखने बहुत अच्छा लगता है, ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन मिलता है और ऑरेंज का तीन कलर है। सर आपने मुझे बताया था कि इसके अंदर आपको ऑल एलईडी का सेटअप मिल जाता है, तो थ्रो कैसे जब आप नाइट में चलाते हो तो इसकी लाइट? इसका बहुत ही अच्छा है, मैंने पहले ही बताया कि मतलब इतना सारा लाइट है ना, सब मिक्सअप होके एक जगह जब हाई बीम पे देते हैं ना तो लाइट है, वर्थ है लाइट, वो बहुत अच्छा है। रात में ऐसे तो ज्यादा यूजेज है नहीं रात का हम लोगों का, लेकिन फिर भी लाइट बहुत अच्छा थ्रो करती है। ओके, आपने एक पुलिस वाली लाइट बताई थी, यही क्या? ये पुलिस वाला लाइट है, इस पे फ्लैशर भी लगा हुआ है, ठीक है, तो बहुत सारे व्यूअर्स फ्लैशर समझ रहे होंगे, तो इस पे फ्लैशर लगा हुआ है, अलग अलग मॉड्स है इसमें, और ये ब्लू और इसमें ब्लू और व्हाइट का मल्टी कलर है इसके अंदर। हाँ मल्टी कलर है, और ये आपको मिलता है यहाँ पे हाई बीम, देख सकते हो ये हाई बीम का है। उसके बाद सर आप मुझे इसका इंजन एक बार खोल के दिखाना चाहेंगे? लास्टली इंजन का तो बहुत बार हम लोगों ने बात कर लिया होगा वीडियो में, अब इंजन दिखा भी देते हैं व्यूअर्स को। चलिए उठाते हैं हुड को, और इसका हुड उठाना सबसे आसान है, वो कैसे वो भी बताइए, देखिए भी दिखाते हैं। ये देखो आप लोग, बस यूं ऐसे इसको मैंने हटाया, ये एक लॉक हट गया, यस, एंड सेकेंड वन यहाँ पे इसको ऐसे हटाया, और ये हमारा उठ गया बोनेट, तो ये बोनेट उठ गया इसका। बोनेट इसकी वेटेड है या नहीं? बहुत हल्का, अभी आपने खुद देखा। हाँ। कुछ खास वेट है तो इसमें नहीं है, तो भाई बोलेरो वाली इंजन ये है इंजन, ये बहुत पुराना इंजन है, मतलब ये इंजन बोलेरो का स्टार्टिंग वाला इंजन है, ये है 2500 सीसी का इंजन या फिर 2.4 लीटर इंजन, दोनों में से कोई एक इंजन है। उसके बाद सर हम लोग इसका वाइब्रेशन सुनना एक बार चाहेंगे, एक बार इंजन स्टार्ट करके सुना देते हैं। एकदम श्योर, तो ये इंजन है,
और बलेडो इंजन है तो इतना आवाज तो करेगा ही, लेकिन वाइब्रेशन नहीं, इंजन में कोई किसी तरह का नॉइज नहीं है। सर, एसयूवी की रोड प्रेजेंस तो काफी तगड़ी है, इसके बाद आप मुझे बताइए माइलेज क्या मिलती है आपको इसके अंदर? वही है, बोलते नहीं है कि हाथी पाले तो हाथी का शौक भी है, अगर शौक है हाथी का तो उसका खर्च तो आप ही को देना होगा, तो एज सच माइलेज फिर भी माइलेज दे देती है गाड़ी, 10-12 की माइलेज है इसकी। ऑन हाईवे? हाँ, मेरे हिसाब से नहीं, सिटी का बात कर रहा हूँ। ओके, हाईवे पे 14 देती है। डीजल इंजन महिंद्रा की है, तो भाई महिंद्रा का इंजन इसी चीज के लिए तो जाना ही जाता है कि भाई माइलेज है इसमें परफेक्टली 14 का माइलेज देता है। डीआई इंजन कोई भी डीआई इंजन महिंद्रा का हो 14 का माइलेज देगा, मतलब ये थार वाली माइलेज दे रही है आपको? हाँ, थार वाली माइलेज दे रही है, सैटिस्फाइड है, हम लोग के लिए काफी इतना जो माइलेज दे रहा है वो तो है। अब आता है मेन क्वेश्चन सर, ओवरऑल आपको सर इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ गई थी इसको पूरी, मतलब एक मॉडिफाइंग जीप लेने में? देखो, स्टार्टिंग होता है गाड़ी का 4.5 लाख से और गाड़ी 10 लाख तक आती है, आप जितना ज्यादा मॉड्स करा लो, 10 लाख की भी ले लो, इस पे गेट वेट सब कुछ लगती है। ओके। हार्ड टॉप भी लगता है इसमें, ग्लास लगता है, एसी लगता है पूरा अंदर से, मतलब फिनिशिंग इंटीरियर की जो फिनिशिंग, ऑटोमेटिक सीट्स भी आता है इसमें, वो सब कुछ आप इसमें करवा सकते हो, सनरूफ तक बनता है इस पे, सब कुछ होता है। लेकिन अगर पर्टिकुलरली मेरे गाड़ी का बात करते हो तो हमको ये गाड़ी पड़ा था 7 लाख का, अप्रोक्स 7 लाख पड़ गया था, 6.8 या ऐसे ही कुछ पड़ा था। हाँ। और क्योंकि एक साल हो गया और बाकी जाने आने का तो मैं जोर नहीं रहा हूँ इस चीज में, मतलब गाड़ी आपको 7 लाख में मिल जाएगा ये। सर, वर्दी लग रही है आपको इतने पैसा इन्वेस्ट किया है तो? हाँ, वर्थ है गाड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गाड़ी मैंने लिया ही था शौक पूरा करने के लिए, लिए तो इसको 10 साल चला सकते, रफ एंड टफ वाला यूज है, हाँ 10 साल यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। तो सब मैंने बताया है कि क्यों ये गाड़ी ले सकते हो आप लोग, रीजन भी दिया मैंने, ऑथेंटिक रीजन। सर, उसके बाद अगर सर कोई भी व्यूअर्स इसको लेना चाहेंगे जिनकी मन है ऐसी कार लेने की, तो वो वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ, ये एक चीज़ है कि जिनको भी गाड़ी लेने में इंटरेस्ट है गाड़ी ले सकते हैं, नो डाउट। लेकिन एक होता है अपना प्रेफरेंस देना, तो पर्सनल मेरा यही प्रेफरेंस रहेगा कि पहले से एक गाड़ी अगर आपके पास है तो आप जाके एकदम आँख बंद करके एक गाड़ी ले सकते हो, पहले से अगर एक गाड़ी है तो आप ये गाड़ी एकदम नो डाउट उठा लो। सर, एक क्वेश्चन मेरे से छूट गया, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सर, जैसा कि आपने इस पे 7 लाख के अप्रॉक्स इन्वेस्ट किया है, उतने में सर तो एक ओल्ड थार आ जाती है, सर उसके तरफ मूव कर रहे हैं क्या? ओल्ड थार आ जाता, हम लोग ने पहले सोचा था थार लेने के लिए, लेकिन ओल्ड नहीं लेना चाहते थे और इसीलिए पहले ये लिए, और क्योंकि क्लासिक का अलग ही मजा है, थार भी इसका मजा नहीं देगा। उसके बाद सर, आप इस कार से बहुत ज्यादा हैप्पी लग रहे हो सर, अगर आपको 10 out of 10 रेटिंग देनी हो कितनी रेटिंग देना चाहेंगे इसे? रेटिंग का बात करोगे तो 10 out of 9 तो मैं दे दूंगा। अरे वाह, कुछ कमी ऐसा आपको लगा? कमी है, कमी एसी का कमी है गाड़ी में, एसी हम लोगों ने वो तो खुद से नहीं लगवाया, और दूसरा है कि अगर थोड़ा सा सॉकर्स जो है ना थोड़ा सा हार्ड है कहीं एज कम्पेयर टू अदर एसयूवीज और अदर कार्स जो कि कंपनी के थ्रू मैन्युफैक्चर्ड रहती है, और कहीं ना कहीं ये हैंड फिटेड गाड़ी है, हैंड मेडेड गाड़ी है, हैंड फिटेड है, तो उतना ज़्यादा परफेक्शन मतलब सब कुछ में नहीं मिलता है, और हाई स्पीड पे स्टेयरिंग भी थोड़ा सा वॉबलिंग करता है। okay. हाँ, थोड़ा, क्योंकि टायर बहुत वाइड है। हाँ. इसके वजह से। और वैसे भी सर, इस कार से कोई एक्सपेक्ट करते हैं कम्फर्ट तो वो तो नहीं मिलने वाला, बिकॉज ये रफ एंड टफ कार है। हाँ, ये रफ एंड टफ है और यंगस्टर की कार है, ओवरऑल मैं ये बोलूंगा, और इस पे लग्जरीनेस तो उतना ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन इसका मेन लग्जरीनेस वही है कि विदाउट सीट बेल्ट घूम सकते हो, सबसे बड़ी बात यही है इस गाड़ी की। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर अपना प्रीसियस टाइम हमें देने के लिए और हमारे व्यूअर्स को देने के लिए। सर, तो गाइस ये था आज का वीडियो मॉडिफाइड जीप के ऊपर, आई होप सो आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आप भी अपने कार का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए मेल पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक और न्यू एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, ड्राइव सेफ।